नरेश मनोज जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। नरेश जी और धर्मेश जी का रिश्ता बड़ा कमाल का था। टेबल के एक तरफ धर्मेश जी उठते थे और एक तरफ हमें पूरे हिंदुस्तान के लिए इतना दर्द थे, न्याय पाते थे, मेरी उनको बहुत बहुत सुधार। ये वो लोग हैं जो धर्मेश जी के साथ इन्होंने वाकई काफी समय गुजारा है। मंच हुए, धनेश हुए, पहले जिन जिन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस व्यक्त किए हैं धर्मेश जी के बारे में, हमारे सामने है तो इस चर्चा मेरे जो एसोसिएशन है इसलिए सिंगल एसोसिएशन माता जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो साथ में मेरे सभी सिंगल मेंबर्स हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से मैं बाबू जी श्रद्धांजलि असल में बहुत कठिन है अपने आप को व्यक्त करना इस वक्त, लेकिन एक चीज है कि हम दोनों लगभग एक ही वक्त में यहां आए थे बॉम्बे, सन 76 में मैं आया और वो थोड़ा उसी के आसपास, और हम लोग दूरदर्शन के नाटक ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था साथ काम करते थे, और एक मित्रता घनिष्ठता सब बढ़ती गई। उनकी बातों को मैं सुनता था, मैं समझता था, मैं बहुत उत्तेजित और बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत एक आक्रोश लिए हुए अपने मन में था, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री का भी मैंने यहाँ लोगों का शोषण होते हुए देखा, न सिर्फ कलाकारों का बल्कि वर्करों का और सारी चीजों का। आज जो वर्कर्स हैं जिनकी मेहनत के बिना मैं समझता हूं कलाकारों का ग्लैमर बेमानी है, उन मजदूरों को, उन मेहनत कश इंसानों को मैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं एक एक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, मैं एक ऐसे इंसान की हैसियत से कह रहा हूं जो मैं मेहनत कश इंसान का हमेशा सपोर्टर रहा हूं। मैं बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग का आदमी रहा हूं और मैंने हमेशा उन लोगों के लिए लड़ना जायज समझा जो जिनका शोषण होता है। तो एक ऐसी विचारधारा लिए हुए मैं था, फिल्मों में काम करते थे, अपने आस पास होते हुए शोषण को देखता था, एज एन एक्टर काम करते थे, कहीं छोटे रोल कहीं बड़े रोल, और लेकिन किसी भी सेट पे कहीं भी कोई अगर गलत चीज होती थी तो मैं आवाज उठाता था। मैं एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, सिंटा का मेंबर नहीं था। बहुत से सेट्स पे लोग कहते थे कि आप कौन हैं, आप मेंबर हैं कि नहीं है, मैंने कहा मैं नहीं हूं, मैं मेंबर बनना भी नहीं चाहता। ये एसोसिएशन मेरे लिए क्या करती है, ये क्या करती है, मैं अपने इर्द गिर्द शोषण होते देख रहा हूं, मैं अपनी आवाज अपने लिए उठा रहा हूं और मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए उठा रहा हूं, लेकिन होता क्या था, नुकसान मेरा ही रहता था, लेकिन मुझे उस नुकसान की परवाह नहीं थी। मैं झगड़ता था जहां झगड़ पाता था, जहां नहीं लड़ पाता था वहां नहीं लड़ पाता। तो ये सब सिलसिला चल रहा था और धर्मेश जी से मैं शेयर करता था जब भी हम नाटकों की रिहर्सल करते थे, दूरदर्शन की स्पेशली, या रिकॉर्डिंग में कभी मिलते थे, मैं उनसे ये बात कहता रहता था। उनको भी कई बार पता चलता था कि भाई फलाने सेट पे इन्होंने ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मैं 76 का आया हुआ इंसान, उसके बाद काम करता रहा, करता रहा, मैं किसी भी संस्था का मेंबर नहीं बना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बलबूते पर काम कर रहा हूँ, अपने बलबूते पर मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, लेकिन ये मैं आज शोषण होते हुए देखता हूं तो मेरे तंग गदन में आग लग जाते हैं। तो हम लोग बैठ गए, धर्मेश ने एक दिन मुझसे कहा कि सुधीर, ये जो आक्रोश है ये बाहर से
इस तरह से प्रकट करके कुछ नहीं होगा, ये संगठित तौर पर ही हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो एसोसिएशन के मेंबर बनो, हमारे साथ आओ और एक संगठित तौर पर इसका विरोध करो, तब तो इसको एक वो मिलेगा, वरना ये कहेंगे कि फलाना एक्टर है करता है, कभी कभी दारू पी के चार व्यक्ति के किसी की मां बहन कर देता है, ये करता है वो करता है, इसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, ये है, लोग उसको दूसरे मायने देंगे। ये धर्मेश ने मुझसे कहा, मैंने उससे बात हुई बहुत देर तक, हम लोग बात करते रहते थे जब भी रिहर्सल्स के दौरान हमें वक्त मिलता था, और कभी भी कोई ऐसी बात होती थी तो मैं पहली बार मोटिवेट हुआ इस बात के लिए कि नहीं ठीक है, अगर यही तरीका है तो मैं भी एक अपनी संस्था से जुड़ता हूँ जो कलाकारों की संस्था है। और उस तरह से मैं 76 का आया हुआ इंसान इस शहर में 93 में अपनी संस्था से जुड़ा, जो कि बहुत देर के बाद जुड़ा, लेकिन कन्विंस होने के बाद जुड़ा। और उसके बाद मैंने जो भी चाहा कि भाई हम सब लोग संगठित तौर पर इस काम को करें, और उसके लिए मैं धर्मेश का धन्यवाद करता हूं और शामिल हुआ इस लड़ाई में। लेकिन ये लड़ाई अभी भी बहुत बहुत निचले स्तर पर है, ये इसको बहुत ऊंचा जाना चाहिए। धर्मेश में एक ये चीज थी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम सभी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और यहाँ इस वक्त ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फेडरेशन के इस शोक समारोह में हूँ, क्योंकि यहाँ सभी क्राफ्ट के लोग हैं और सभी क्राफ्ट के लोग एक ही चीज से पीड़ित हैं कि ये जो पूरा है, जो ये किस तरह से चलता है अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन वो लड़ाई हम आपस में ही एक दूसरे से मतभेद रख के नहीं लड़ सकते। हाँ, एक प्रोड्यूसर है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसके ऊपर चैनल है, उसके ऊपर और तमाम लोग हैं, पैसा है, इंडस्ट्री है, फाइनेंस है, ये है, तमाम है, इकोनॉमी है, मार्केट है, ट्रेड है, पता नहीं क्या क्या है, होने दो, उस सबको होने दो, लेकिन जो उसमें काम कर रहे हैं, जो उसमें खून पसीना बहा रहे हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में बहा रहे हो, चाहे वो एक ऑर्डिनरी वर्कर हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे स्टार हो, चाहे सुपरस्टार हो, कोई भी, वो सुपरस्टार का ग्लैमर एक मेहनत, एक लाइट मैन की जो तराफे पे बैठा रहता है, उसकी लाइट फेंके बगैर वो संभव नहीं है, तो कम से कम उसको उतनी इज्जत है। तो मैं समझता हूं कि धर्मेश जो भी कर रहे थे वो ये कहा था कि वहां से वो आर्मी के लिए काम करने के लिए बॉर्डर्स में जाया करता था। जब अभी उसको दोबारा बॉर्डर पे जाने का मौका मिला तो रोमा ने, उनकी पत्नी रोमा ने और लोगों ने, उनके बच्चों ने, सभी ने उससे कहा कि भाई इतना तुम क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा साहब तय है, मैं अभी तक कलाकार के लिए तो जय हूँ, मेरी जिंदगी फौज के लिए आरंभ हुई थी और फौज के लिए मैं जा रहा हूँ, और एक हमारी बदकिस्मती देखिए या जो भी है, वो अंतिम सांस भी उसने फौज के बीच में ली। ये एक बड़ी अजीब सी बात रास्ता हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आया तो पहली फिल्म उसने भोजपुरी की थी मेरे से, क्योंकि कई बात अंतरंग बातें होती थी फेडरेशन में, बहुत सारी इधर उधर से सभी तरह की बातें यहाँ होती थी, तो मेरे से अंतरंग बातें तो बहुत करता था वो, क्योंकि हम लोग लगभग सेम एज के हैं, मेरे से 3 साल छोटा था। जब मैं सरकारी दफ्तर में था या कहीं भी था तो दिल्ली में आता था, तब भी ये बातें होती थी, मैं वहां पर भी ये बातें, ये सही से जब बात हुई तो ये सही से की बात हुई, तो उस समय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में था, मेरे से कहने लगा कि भाई साहब बताइए मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से हम लोग ये सही से को स्टार्ट कर सकते हैं कामगारों के लिए। तो हम लोग आपस में बात करके, उसमें दद्दू भी आए दिल्ली में और वो भी आए, हम लोग अपने सेंट्रल कमिश्नर से मुलाकात की और लोगों से मुलाकात की, और वो कहा मतलब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था कि मैं किस तरीके से अपने फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए काम करूं। उसके दिमाग में जो बैलेंसिंग की अभी सुधीर पांडे जी ने कहा, जो गजेंद्र जी ने बात कही,
ये बातें बड़ी सोच, मतलब मैं उस पर कभी कभी बैठ कर सोचता हूँ कि क्या उसके दिमाग में रहता था। एक ही बात रहती है कि भाई एक हम लोगों के बीच में जब ये कार्यक्रम चल रहे होते हैं तो गरुड़ पुराण हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, जो भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद है, और वो सिर्फ इसी समय पढ़ा जाता है 13 दिन के अंदर। उस 13 दिन में जब आज का जो लेसन था उसमें बात हो रही थी कि कर्मयोगी कौन है, मैं उसको यही कह सकता हूं कि जब कर्मयोगी की व्याख्या हुई तो कर्मयोगी के लिए यह कहा गया कर्मयोगी योग वो है जो दूसरों के लिए जीता है। और वास्तव में मैं उसको आज ये कह सकता हूं कि वो धर्मेश नहीं कर्मयोगी धर्मेश, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अपनी इसी चीज पर बिताई। उसकी एक अंतिम इच्छा जो काफी समय से चलती रही थी वो ये था कि ओल्ड एज होम की स्थापना की जाए। मैं फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग यहां उपस्थित हैं, मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहूंगा, अगर उसमें जावेद अख्तर साहब ने तो कहा ही था, मैंने मुझे बताया था उसने कि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि अगर कहीं भूमिका हो जाएगा तो मैं अपने पार्लियामेंट फंड से 50 लाख रुपया उसे ओल्ड इस पर उसके लिए दूंगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों से यहाँ उपस्थित हैं एक दरखास्त करना चाहूँगा, अगर श्रद्धांजलि के तौर पर एक उसकी श्रद्धांजलि ये भी होगी अगर एक ओल्ड एज होम की स्थापना कर दी जाए तो ये बहुत बड़ी उसको श्रद्धांजलि होगी। और जहाँ तक ये जो बैलेंसिंग की बात थी सुशील पांडे जी ने, मैं बहुत सहमत हूँ कि मेरा भी जब भी उससे डिस्कशन होता था तो डिस्कशन के दौरान वो ये कहता था कोई भी चीज़ इंडस्ट्री को बंद करके नहीं की जा सकती, हम लोग हासिल करेंगे तो सिर्फ आपस में बैठकर ही टेबल पर बैठकर ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते थे। मैं काफ़ी समय से क्योंकि ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ अपने रिटायरमेंट के बाद, तो ट्रस्ट में मुझे लाने का गजेंद्र जी को बहुत शौक, क्या नाम है इनको, था कि ये ट्रस्ट में आकर थोड़ा सा आप काम देखें तो अच्छी बात है। तो फिल्म जो सिनेमा वेलफेयर ट्रस्ट है, आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो उसको उसकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अगर कोई ओल्ड एज होम की स्थापना की जा सके तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं आज फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों, हमारे जितने भी 22 स्टाफ हैं, उन 22 स्टाफ के जितने भी पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन हैं, और जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसको भी परिवार की ओर से पत्नी रोमा, बच्चे अनु, निकिता, विवेक लुथारिया जी दामाद, हमारी सिस्टर साहिब भी हैं सुशीला जोशी जी, लक्ष्मी पांडे, उमा पांडे, छोटे ब्रदर जो है हमारे गुरिया में बैठे हरीश तिवारी, उनकी पत्नी हेमंत, मैं पूरे परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने उनकी याद में आज ये रखा प्रोग्राम रखा था, और इसके लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। दर्बिल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे बुलाया गया है, मेरा भी नाम धर्मेश जी उन तमाम चीजों को कैसे बैलेंस कर लेते हैं साउंड एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने बोला रास्ता ये तो नहीं है, हम क्या आप बताएंगे तो ही करूँगा, ये कैसे दे सकता है। मैं उनके धन्यवाद नमन करता हूँ, उनके परिवार को ईश्वर हिम्मत दे इस ऐसा अक्सर कम होता है कि एग्जाम्पल है धर्मेश की पर्सनैलिटी को लेकर। मैं संग्राम शेरके जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट आके धर्मेश के बारे में बोले, क्योंकि संग्राम ने भी काफी समय धर्मेश जी के साथ गुजारा। संग्राम देखा कि जोसेफ उसका एक ही दया था कि वर्कर के लिए कुछ करना।